नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, पांचवें चरण के चुनाव में आज उत्साह से मतदान जारी है। पालघर जिले की हम बात करें तो पालघर जिले में भी मतदान के लिए काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इतनी सख्त गर्मी होने के बावजूद लोग बाहर निकल रहे घरों से और मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोटिंग कर रहे हैं। पालघर जिला मुख्यालय से जारी आंकड़े, हर दो दो घंटे में जो आंकड़े जारी होते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर जो अपडेट आई है वो आपको अपडेट बताने वाले हैं। ये कुछ तस्वीर और विजुअल भी हमने इस वीडियो में लगाया। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मतदान केंद्र पर लाइन लगाकर मतदान कर रहे हैं। और हम जो बात कर रहे थे कि पालघर जिला मुख्यालय से जो आंकड़ा है, तो वो आंकड़ों में अब तक औसत मतदान पूरे पालघर जिले में 31% हुआ है 6 घंटों में। सुबह 7 से 9 दो घंटे, 9 से 11 अगले 2 घंटे, 4 घंटे और 11 से 1 बजे तक का ये अपडेट है। 1 बजे तक में 6 घंटों में 31.06% मतदान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा मतदान हुआ है दहाणु में, जहां 38% मतदान हुआ है, 38.23, और सबसे कम मतदान हुआ है नाला सुपारा में, जहां 21.2% मतदान हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, नाला सुपारा में मतदार संख्या काफी अधिक है। जहां दहाणु में 2,83,000 मतदार है, तो वहीं उसके मुकाबले नाला सुपारा में 5,57,000 से अधिक मतदार है। इस हिसाब से 5,51,000 का 21% की बात करें तो लगभग 6 घंटों में 1,00,000 से अधिक लोग वोट नाला सुपारा में भी कर चुके हैं। तो ये ओवरऑल जो डेटा है उसमें सुबह 7 से 9 के बीच में जो था दहाणु में 8%, विक्रमगढ़ में 9%, पालघर में 9%, बोईसर में 6%, नाला सुपारा में 6.5% और वसई में 9.5% के आसपास था। वही बढ़कर अब 1 बजे तक दहाणु में 38.23%, विक्रमगढ़ में 34.72%, पालघर में 36.8%, बोईसर में 33.01%, नाला सुपारा में 21.2% और वसई में 31.06%। तो अब तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 31.06% है। काफी उत्साह से लोग मतदान कर रहे हैं, आप विजुअल में तस्वीरों भी देख सकते हैं। अभी शाम को 6 बजे तक में 5 घंटे और 3 चरणों का मतदान और होना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह मतदान जो है आज करीब 60% से अधिक जाएगा, इसी उम्मीद कर सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।